दोस्तों, उत्तर प्रदेश हुकूमत के वज़ीर राकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हार पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके का है, जहां वो एक प्रोग्राम में शरीक हुए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां यूपी हुकूमत के वज़ीर राकेश एक तकरीब में पहुंचे। एक मेज़ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर रखी है। राकेश बड़ा माला उठाया और पीएम मोदी की तस्वीर को पेश किया। वायरल होने वाले इस वीडियो पर लोग वज़ीर की शदीद तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म अभी जिंदा हैं। सहाफ़ी विवेक त्रिपाठी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राकेश एक शानदार वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म मोदी की सालगिरह की मुबारकबाद मनाना चाहते थे और तस्वीर पर माला चढ़ाना चाहते थे। इसका मतलब तो आप जान चुके होंगे, वज़ीर साहब। वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। सहाफ़ी संजय शर्मा ने लिखा कि ये यूपी हुकूमत के काबीना वज़ीर हैं, अदालत ने उन्हें एक मुकदमे में सज़ा सुनाई, फिर अदालत से भागे, बाद में उन्हें एक साल की सज़ा हुई, लेकिन वजारती ओहदा बरकरार है। मोदी जी की सालगिरह पर पुरजोश हो गए और तस्वीर को हार पहनाए। आप अपने उजरा की जहनी सतह को समझ सकते हैं। एक और यूज़र ने लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वज़ीर कांग्रेस के ज़रिए एसपी से बीजेपी में आए। अभी संस्कार की तरबियत कच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, या शायद 2024 के माहौल को देखकर ये किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये काबीना के वज़ीर हैं, इन्हें नहीं मालूम कि जिंदा शख्स की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाया जाता। दिखाई नहीं दे रहा, सही आ रहा है कि नहीं? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।